प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 पेड़। तो बच्चों, हम पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उससे हम कविता को पढ़ने से पहले पेड़ की उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ से हमें शुद्ध मतलब ताजी हवा मिलती है, पेड़ों से हमें फल फूल मेवे मिलते हैं, पेड़ जो होते हैं पक्षियों के रहने का स्थान होते हैं, और पेड़ों से चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों से बारिश भी होती है, और पेड़ों से हमें हर तरह के जो पेड़ हैं इससे जो हमारा जो वातावरण है वो सुगंधित रहता है। दूसरा जो पेड़ है, पेड़ों के महत्व, और इस कविता में बच्चों पेड़ों के महत्व को बताया गया है कि हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से जो पेड़ है, पेड़ के बारे में बताया गया है कि जो पेड़ है, अगर पेड़ नहीं होते तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है वो क्या होता, असंभव होता, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होते तो हमें शुद्ध ताजी हवा नहीं मिलती, है ना बच्चों, हमें शुद्ध और ताजी हवा नहीं मिलती। और इस संकट से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आप इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा और साथ में समझिएगा कि सुनिएगा और समझिएगा। बच्चों देखिए, धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। कि ये जो पेड़ है इसमें कवि श्रृंगार मतलब क्या होता है बच्चों, सजावट, आधार मतलब नींव या मूल, ठीक है, छाया तो आपको पता ही है जो हमें छाया देते हैं शीत सर्दी, और स्वयं मतलब खुद, ठीक है बच्चों, मनमोहक मन को अच्छा लगने वाला, मनमोहक मन को अच्छा लगने वाला। तो इसमें कवि हमें पेड़ों की महत्व को बताते हुए क्या बच्चों कि कवि हमें आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें कवि हमें पेड़ों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ये जो धरती धरती की जो पेड़ है वो धरती की सजावट करते हैं, और हमारे जीवन का जो मूल है आधार है वो भी पेड़ है। कि पेड़ हमें, देखिए पेड़ हमें सर्दी गर्मी को सह कर भी वो हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं, पेड़ खुद सर्दी गर्मी सहते हैं और हमें छाया देते हैं, इसलिए इन्हें इनके मुकुट ना होते हुए भी इन्हें बिना मुकुट के राजा कहा जाता है। इनका मुकुट ना होने के कारण भी ये बिना मुकुट के समान पेड़ों को राजा कहते हैं, और ये हमारे कितने मनमोहक लगते हैं, और ये हमारे मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो पंक्तियां हैं इनका जो भावार्थ है ये पूरा होता है। अब हम आगे, जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं, जहां पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सुखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जंगल पंछी मतलब पक्षी, पंछी का मतलब क्या होता है, पक्षी वृक्ष पेड़, और शीतलता मतलब ठंडक देना, शीतलता का मतलब होता है ठंडक देना, मेघ मतलब बादल, सुखी ताल तलैया पोखर तालाब, तो ये होते हैं ताल तलैया पोखर तालाब। इसमें कवि कहता है कि जो पेड़, कवि पेड़ों के बारे में बताते हुए कहता है कि पेड़ जंगल का जो पेड़ है वो जंगल का परिवार है, और पेड़ जो पंछी का, जो पंछी मतलब पक्षी, जो पेड़ है वो पक्षी का घरवार है, जो पक्षी है वो पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, और पेड़ों पर, और जो पंछी का जीवन यापन भी पेड़ों पर ही होता है। जहां पर पेड़ होते हैं वहीं पर ही शीतलता होती है, वहीं पर ही ठंडक होती है, और शीतलता से ही बादल बरसात करते हैं। जहाँ पेड़ होते हैं वहां पर क्या होती है बच्चों, शीतलता होती है, ठंडक होती है, और ठंडक से शीतलता से ही बादल वर्षा करते हैं, और जो हमारी सूखी जो धरती है वर्षा के कारण
हमारी सूखी हुई धरती हरी भरी हरियाती है, मतलब हरी भरी हो जाती है, और जो तालाब है पोखर है वो सारे पानी से भर जाते हैं। तो इसमें कवि कहता है कि जहाँ अधिक से अधिक अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों से बारिश होएगी, और बारिश होने से जो बादल, हमारी जो धरती सूखी हुई है वो हरी भरी हो जाएगी, और जो तालाब पोखर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पानी से भर जाएंगे। अब देखिए आगे है, धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फल फूल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते, करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कवि कहता है कि धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। तो इसमें कवि कह रहा है जो पेड़ हैं वो धरती के उपहार हैं, मतलब जो धरती माँ धरती है उसने हमें पेड़ों को भेंट के रूप में, उपहार के रूप में दिया है, जिससे पेड़ों के कारण ही चारों तरफ खुशहाली है, पेड़ों के कारण ही चारों तरफ खुशहाली है। और पेड़ जो है, पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, और हमारे श्रम हर लेते, और हमारे जो मेहनत है जो उसको पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, और हम श्रम हर लेते, और जो हमारा जो सारा थकावट होती है उसको दूर कर देते हैं, पेड़ हमें फल फूल और मेवे भी देते हैं, करते हैं संपन्न सभी को, और जो पेड़ है वो हमें फल फूल मेवे सब देकर संपन्न कर देते हैं, पर हमसे बदले में वो कभी कुछ भी नहीं लेते हैं, करते हैं नित उपकार पेड़ है, उपकार मतलब भलाई, नित मतलब हमेशा, जो पेड़ है वो हमेशा दूसरों पर क्या करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, परंतु वो बदले में हमसे कभी भी कुछ नहीं लेते हैं, सेवा के अवतार पेड़ है, और जो पेड़ है वो हमें, वो एक सेवा के रूप में हमें सब कुछ देते हैं, जैसे शुद्ध हवा, फल फूल मेवे और भी अनेक वस्तुएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर पेड़ की विशेषता बताई गई है कि पेड़ हमें, देखिए जो पेड़ होते हैं, पेड़ की विशेषता बताई गई है कि धरती, जो जो पेड़ है वो धरती की सजावट है, और उसकी जो पेड़ों से ही मूल, जो मूल होता है, मूल नींव है, वो उस पेड़ों से ही हमें जीवन मिलता है, पेड़ हमें, जो पेड़ सर्दी गर्मी को खुद सहते हैं और बदले में हमें छाया देते हैं, इसलिए पेड़ों को मुकुट न होने पर भी उन्हें मुकुट के समान राजा बताया गया है, और वो सबके मन को हरने वाले होते हैं, पेड़ जंगल का परिवार होते हैं, क्योंकि जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जहाँ पर पेड़ होते हैं बच्चों, वहाँ क्या होती है, वहाँ शीतलता होती है, ठंडक होती है, और ठंडक से बादल बरसात करते हैं, हमारी जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है, और चारों, हमारी जो धरती हरी भरी हो जाती है, और तालाबों पोखरों में पानी भर जाता है, धरती हमें जो पेड़ है, जो धरती है हमें अनमोल अनमोल रूप में, उन्होंने, धरती ने हमें अनमोल रूप में भेंट में उपहार में पेड़ दिया है, क्या दिया है, धरती ने हमें उपहार स्वरूप सौगात के रूप में क्या दिए हैं, पेड़ दिए हैं, और पेड़ों पेड़ हमें खुशहाली के द्वारे, यानी कि पेड़ों से हमें फल फूल मेवे और अनेक वस्तुएं मिलती है, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ स्वस्थ बनाते, पेड़ हैं जो हमें स्वस्थ बनाते हैं, हमारी जो जो हमारी कमजोरियां हैं उनको पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, हमें फल फूल मेवे देते हैं, बदले में हमसे वे कभी कुछ भी नहीं लेते हैं, इसलिए पेड़ों को सेवा का अवतार कहा गया है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है, अगली कक्षा में हम शब्द अर्थ करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।